नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। बहेड़ी के भोड़िया कॉलोनी ग्राम में विद्यालय में फर्श पर टाइल्स लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। टाइलें लगाने के लिए नीचे बजरी एवं रेता सीमेंट का मिश्रण बनाकर डाला जाता है, जिससे कि बढ़िया ढंग से टाइल्स लग जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नीचे रेता बिछाकर उसके ऊपर टाइल्स लगाई जा रही हैं, जो कि हाथ लगाने से उखड़ रही हैं और सरकार के पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। बहेड़ी से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह की रिपोर्ट। हम ग्राम उत्तरसिया समुखिया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में खड़े हैं। यहाँ पे विकास का कार्य किया जा रहा है। सरकार जो है इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही है कि जो स्कूलों की कंडीशन है उसको सुधारा जा सके। आप देख सकते हैं चारों तरफ कि चारों तरफ से ये बिल्कुल भी सफाई नहीं है। यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह खड़े हैं, यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं की गई है, मरम्मत कार्य नहीं हुआ है इसका। और इस समय इसमें जो है कार्य किया जा रहा है वो है टाइलें लगाने का। नीचे जो है टाइलें लगाई जा रही हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि टाइलें लगाने के बाद जो है बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी। तो यहाँ से जो है टाइलें लगाने का कार्य किया जा रहा है। हॉल की खिड़कियां आप देख सकते हैं वो अभी तक टूटी हुई हैं, कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है, कोई खिड़की वगैरह जो है वो चेंज नहीं की गई है। मतलब सरकार जो है वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रही है इन चीजों पे कि इसी तरीके से इन चीजों की जो है कंडीशन पे सुधार लाया जा सके, लेकिन जो भी पैसा है वो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग ही किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइलों का कार्य पूरा हो गया है। तो इसमें आपको दिखाते हैं कि इसने किस क्वालिटी की टाइल लगाई। आप देख सकते हैं टाइलें लगी हुई हैं। नीचे जो है इसमें सीमेंट वगैरह का जो है यूज हुआ है, देखिए सिर्फ हाथ लगाने से जड़ रहा है। क्या किया है कि रेता नीचे बिछा कर उसके ऊपर जो है टाइलें रख दी गई हैं। तो ये कितने दिन चलेंगी ये देख सकते हैं। हाथ लगाने से जो है रेता जो है वो नीचे गिर रही है। सीमेंट का तो यूज किया ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ रेता बिछा के और उसके ऊपर टाइलें बिछा दी गई हैं। अगर हम ये इसको ऐसे उठाएं तो ये टाइल जो है ऊपर उठ जाएगी, अभी टूट जाएगी ये। तो इस तरीके का ये कार्य किया जा रहा है। मतलब सरकार के पैसे का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आप जो इसमें कार्य चल रहा है टाइलें लगाएगा कि सिर्फ घटिया मटेरियल का यूज किया जा रहा है कि ये मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है कि हाँ भाई हमने टाइलें लगा दी है, लेकिन उसका कोई भी जो है ढंग से काम नहीं किया जा रहा है कि जो ये काम जो पैसा जो है सरकार का वो आगे तक काम आ सके। अभी लगा देंगे थोड़े बहुत दिन में ये फिर टूट जाएगा और फिर इसका जो है दोबारा से आगे स्कूल की जो है कंडीशन बहुत खराब है, दोबारा से मरम्मत की जानी चाहिए। लेकिन इसकी मरम्मत एक बार कभी सरकार करती है तो उसका भी सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, पैसा जो है व्यर्थ ही खराब किया जा रहा है। और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जौनपुर जलालपुर के सुदूरांचल गांव गोपालापुर में सबसे उम्रदराज महिला, उस गांव में तो क्या पूरे क्षेत्र में लगभग 100 वर्ष की, स्वस्थ और सारे दांत आंख कान सब पूरी तरह से काम करते हुए हैं, और इतनी बुजुर्ग महिला हैं। दुबे परिवार की बुजुर्ग दादी माँ से उनके स्वस्थ रहने एवं पुराने अनुभव तथा आज के युवा पीढ़ी को संदेश देने हेतु देखिए ये एक रिपोर्ट। व्यायाम ये सबका जो कि एक नियम संयम आचरण से रहते थे लोग, इसलिए आज भी स्वस्थ हैं और निरोगी हैं। ये संदेश माता जी ने आपको दिया। 100 वर्ष की माता जी आपका बहुत बहुत दीर्घायु कामना करते हुए मैं विजय गुप्ता के साथ फास्ट न्यूज इंडिया कैमरा मैन के साथ नमस्कार जय हिंद। सर कुछ वार्ता करेंगे पहले जमाने का और आज के जमाने के दौर में, क्या अंतर है और आप क्या महसूस करती हैं और कैसे इस आपके 100 साल जिंदगी के स्वस्थ होने का राज क्या रहा है? माता जी वार्ता करते हैं। माता जी आपका क्या नाम है? रामा जी। अच्छा, तो माता जी आपकी उम्र लगभग लोग बता रहे हैं पूरे गांव में कि 100 वर्ष के आसपास आपकी उम्र है जी। और आज के दौर में लोग जो कि बहुत जल्दी 50-60-70 साल में ही खटिया पकड़ ले रहे हैं, कमर टेढ़ी हो जा रही है, कितने लोग का जो कि महाप्रस्थान हो जा रहा है, तो इसमें आपके स्वस्थ होने का राज क्या है? पहले रहे बेटा तो ऐसे रहे कि माता जी जगावन और बेटा लोग उठन
जी, और हवा पानी ले जी, हाँ, और उनके निगोटा रहे जी, सीधा करके ओके जवन बात वन कसरत करें जी, हाँ, और वहाँ जवन बनावा रहे खेले बदे के जी, खेलत रहें जी, शक्ति होत रहा जी, कड़ुआ तेल लगावत रहें जी, है ना जी, और पुरवट ना जाए जी, रोट हाकत रहन छीनत रहन तैयारी में रावत रहन जी, हाँ, अपन पौसरा चलावत रहन, नारी देखत रहन, बारहा फरसा चलावत रहन, हाँ, तो हमरे सबके जमाने में उतना मीठा का परिवर्तन तो रहे ना जी, हाँ, तो हम लोग जौन बा महुआ का लड्डू बनाए रही अपने लड़किया के खिला के और दूध पिला के पहलवान पाले गए। महुआ से बहुत ताकत होती, महुआ में शक्ति, हाँ, इसलिए अपने बच्चा लोग के खिलाई, हाँ, खिला के और माँ शक्ति रहे, सबेरे उठना नहाना व्यायाम महुआ ये सब में शक्ति थी, शक्ति रहे। और औरतें कैसे स्वस्थ रहती थी पहले, और बहु लोग के जगाई उठो बहु जान बाहर भीतर जाए आवे हाथ गोर धोए धय गई जाता जी, और धय गई दू दू चार किलो जाता चलावे पीसवाए उठे लेजम हो जाए जी, फिर ओकरे बाद में दोनों हाथे मूसर चलावे जी, हाँ जी, जब मूसर चलावत रही अवर हो जाए जी, तो उम्मा ताकत रहा। अब के का बा, हाँ, अब तो ये बा बेटा कि बहु जवान बानी खटिया पर से उठत हई कहत हई एक लोटा सासू पानी दे दे हाँ, उल्टे उल्टा जमाना आया बा, कलयुग वाला अब ऐसे हो जा बा, पहले उड़ा जात चलावत रहे, नौकरी चलावत रहे, सास का सेवा करते रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, ताकत रहे, हर एक चीज रहे। अब तो वो नहीं क्या पूबा गाल देखा तो जैसे पक्का टमाटर सुई इंजेक्शन उनके रोज लगे भैया डॉक्टर, और सारा पैसा डॉक्टर था, हाँ, और खटत खटत लड़किया जो उनका ओ कत्तम से आए मार पेट पीरा था, अरे जब तू काम धंधा ना करबू हाथ गोल न डोला तब तुहा न रोग होत होए के जी, हाँ, बहुत सुंदर बात माता जी। अच्छा ये बताएं जो पहले के लोग अदब लिहाज करते थे और आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले का लोग रहे लाज करते रहे बेटी के बेटा के बहू के सासू नहीं देख सकते, कब हमार बहु और बेटा कहाँ आए कहाँ गन का। अब तो कहा हो कि अब जब वैसे खड़ी हैं और ऐसे कहत हैं कि देखा हो आ रहा है तो हर बुजुर्ग जेठऊ ससुर आ रहा है तनी मुँह ढाके, अब वो जमाना दूरी है सासु चलो लम्बे, हाँ, और बूढ़े चलो जी, आप कोई बात अब वो जमाने का बात नहीं रह गई, नहीं रह गई, अब बात दूसर। स्वतंत्रता में जब अंग्रेज का जब सब सब जीते थे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय आपका उम्र क्या रहा होगा? जब 1947 में आप का ख्याल है जब भारत आजाद हुआ था? अब क्या जब अंग्रेज से भारत आजाद हुआ था तो आपको ध्यान है? तो मैं नहीं पढ़ रहा है, वही लगभग आपकी आसपास पैदाइश थी लड़कपन है 15-20 साल के लड़कपन की बात नहीं बता सकती, उम्र के अपने समय के जैसे परिवर्तन रहा वो बता। तो आज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जो पहले घर परिवार एक रहता था लोग सबका सम्मान करते थे और सब युवती युवतियाँ बुजुर्गों सम्मान करते थे, तो आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? अब तो ये बात संगठन कई के अगर जब रह तहाँ तो हाँ सबका बड़प्पन चले परिवर्तन हुए नाम बढ़े, और जो कुमत कई के रह तो कुछ न कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी देखिए माता जी
वो बिना चश्मा का भी दिखाई पड़ता है। और आगे बढ़ाते हैं, आज प्रयागराज के थाना करेली व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम इमरान व मोहम्मद तारिक है, जिनके कब्जे से एक पिस्टल व चार जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की टीम जो हमारा यमुना पास से देखते हैं वृंदावन राय, इन लोगों ने एक उस पे व्हाट्सएप और फेसबुक पे तमंचे के साथ फोटो प्रचारित हुई, जिसको इन्होंने चेक किया। चेक करने पे वो दो लड़के जो करेली क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके साथ पिस्टल कारतूस आज बरामद हुए हैं, जिसमें उनको गिरफ्तार करके करेली थाने की टीम के साथ इन्होंने गिरफ्तारी की और उन्हें जेल भेजा गया। आज प्रयागराज के थाना तरसोईया व क्राइम की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त दीपक भारतिया व मंजू भारतिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और जिनके पास से लूटा गया सामान जिसकी कीमत लगभग 2,50,000 व एक तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। ये तीन पीसी की गई है, कौन कौन से पीसी है, क्या पूरा मामला? इसमें तीन आज गुड वर्क हुए हैं, जिसमें नंबर वन अतरसुईया थाना अंतर्गत 5,00,000 की लूट हुई थी एक व्यवसायी से, जिसमें से कि करीब 4,50,000 का आभूषण और 50,000 रुपये बरामद किए थे, जिसमें हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और उसके अतरसुईया के थाना प्रभारी इन लोगों ने मिलकर के जो लूट किए थे उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किए और उनसे पूरा माल बरामद हुआ है। उसमें एक महिला भी है दीपक भारतिया और उसकी जो मौसी है मंजू भारतिया, ये गिरफ्तारी पे मंजू भारतिया के पास से पूरा माल बरामद हुआ है। और एक कल्लू पासी जब पुलिस की दबिश पड़ी तो उसका भाई पकड़ा था और वो अपना डर के मारे कहीं पकड़ ना जाऊँ और मेरा माल कहीं पुलिस के हाथ ना आ जाए, इस चक्कर में हाजिर हो गया। लेकिन उसको पुलिस ने उसे पूछताछ करके दो थान गहने और पैसे बरामद किए। तो इस तरह से पूरा 100% बरामदगी जो लूट हुई थी उसमें हुई है और वो सारे अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। दूसरा प्रकरण है उतराव का है। ये थे समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।